आज हम SCR के सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, ट्रायक और डायक के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, SCR के किस कनेक्शन से हाई वोल्टेज प्राप्त किया जा सकता है। तो SCR से हाई वोल्टेज प्राप्त करने के लिए हम SCR को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। सेकेंड क्वेश्चन है, SCR के किस कनेक्शन से हाई करंट प्राप्त की जा सकती है। तो यदि हम SCR को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो हम उससे हाई करंट प्राप्त कर सकते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। अब है थर्ड क्वेश्चन, SCR सीरीज और पैरेलल कनेक्शन को उपयोग में करते समय किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान रखा जाता है। तो फर्स्ट इसमें ऑप्शन ए है कि SCR सीरीज पैरेलल कनेक्शन में उपयोग में लिए जाने वाले SCR समान रेटिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स के हो, SCR सीरीज और पैरेलल कनेक्शन को रजिस्टर के इक्विवेलेंट रखा जाता है, समान रेटिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स का उपयोग करने से आउटपुट को कंट्रोल करना आसान होता है। तो ऑप्शन क्वेश्चन थर्ड का करेक्ट ऑप्शन है डी। यदि हम SCR को सीरीज और पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो सीरीज और पैरेलल कनेक्ट में यूज़ किए जाने वाले SCR की रेटिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स समान होनी चाहिए। दूसरा, उसको जिस भी SCR को सीरीज और पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो हम रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट करते हैं। थर्ड, अगर समान कैरेक्टरिस्टिक्स और रेटिंग के SCR को उपयोग में लिया जाता है तो उसके आउटपुट को कंट्रोल करना आसान होता है। तो क्वेश्चन थर्ड का करेक्ट ऑप्शन है डी। फोर्थ क्वेश्चन, SCR सीरीज कनेक्शन में IB ड्रॉप करंट को कम किया जा सकता है। SCR का जब सीरीज कनेक्ट किया जाता है तो सीरीज कनेक्शन के दौरान हम हाई वोल्टेज तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक बेसिक प्रॉब्लम आती है जिससे उसका करंट ड्रॉप मैक्सिमम होता है। उस करंट ड्रॉप को मिनिमम करने के लिए हम मॉडिफाइड सीरीज कनेक्शन का उपयोग करते हैं। मॉडिफाइड सीरीज कनेक्शन में हम डायनेमिक इक्वलाइजिंग सर्किट लगाते हैं तथा स्टैटिक इक्वलाइजिंग सर्किट लगाते हैं। तो ऑप्शन क्वेश्चन फोर्थ का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, कि हम तीनों सीरीज SCR मॉडिफाइड सीरीज सर्किट यूज़ करते हैं, साथ में डायनेमिक इक्वलेंट सर्किट लगाते हैं तथा स्टैटिक इक्वलाइजिंग सर्किट लगा के हम मॉडिफाइड सीरीज सर्किट को बनाते हैं, तो उससे हम IB मैक्सिमम करंट ड्रॉप को कम कर सकते हैं। तो फोर्थ का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। फिफ्थ क्वेश्चन है, SCR सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में डिफरेंट रेटिंग के SCR उपयोग करने पर क्या होता है। अगर हम SCR के सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में अगर डिफरेंट रेटिंग के SCR को अगर उपयोग में लें तो हम उसको आउटपुट को कंट्रोल तो कर सकते हैं, लेकिन उसको आउटपुट कंट्रोल करना मुश्किल होता है। साथ में ही उसके हीट सिंक की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, हीट सिंक की प्रॉब्लम मैक्सिमम होती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग हमेशा मैक्सिमम एज पॉसिबल एज हम लोग सेम रेटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स और रेटिंग के SCR लेते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। थायरिस्टर फैमिली के बाई डायरेक्शनल डिवाइस है, तो ट्रायक भी बाई डायरेक्शनल डिवाइस है और डायक भी बाई डायरेक्शनल डिवाइस है। तो क्वेश्चन सिक्स का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन सेवन, ट्रायक का पूरा नाम क्या है। तो ट्रायक का पूरा नाम है ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। तो सेवन्थ का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। और क्वेश्चन एट है, टू पैरेलल SCR उन ओपोजिट कनेक्शन किस डिवाइस के इक्विवेलेंट सर्किट होता है। अगर हम ट्रायक का इक्विवेलेंट सर्किट देखें तो हम देखते हैं कि दो पैरेलल SCR को ओपोजिट और पैरेलल कनेक्ट किया जाता है, तो वो ट्रायक डिवाइस का इक्विवेलेंट सर्किट बनता है। तो इक्विवेलेंट सर्किट किसका होता है, वो ट्रायक का होता है। नाइन्थ क्वेश्चन है, ट्रायक को ऑपरेट करने हेतु किस कंडीशन में रखा जाता है। तो यदि हम ट्रायक को ऑपरेट करते हैं तो जो MT1 और MT2 के बीच में जो वोल्टेज अप्लाई किया जाता है वो नॉन जीरो होता है तथा IG पे कोई ना कोई करंट फ्लो होती है, IT पे पॉजिटिव या नेगेटिव करंट फ्लो होती है। उसी के साथ ही MT2 और MT1 के बीच में भी वोल्टेज सोर्स लगाया जाता है। तो नाइन्थ क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा अपना सी। ट्रायक डिवाइस को किस क्वाड्रेंट में वर्क करवाया जा सकता है। ट्रायक को ऑपरेट करवाने के लिए हम चार क्वाड्रेंट का उपयोग में लेते हैं, जो कि MT2 और गेट के रेस्पेक्ट में जो वोल्टेज लगता है हम उसे चार क्वाड्रेंट में ऑपरेट कराते हैं। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है MT2 पॉजिटिव और गेट पॉजिटिव, उसी के साथ MT2 पॉजिटिव नेगेटिव रख के और गेट पॉजिटिव नेगेटिव रख के हम चार क्वाड्रेंट को बना सकते हैं। 11th क्वेश्चन है, ट्रायक को ऑपरेट करने हेतु गेट टर्मिनल पर लगाया जाने वाला वोल्टेज। अगर हम ट्रायक को ऑपरेट करते हैं तो गेट टर्मिनल पर हम पॉजिटिव वोल्टेज और नेगेटिव वोल्टेज दोनों लगाकर उसे ऑपरेट कर सकते हैं तथा MT2 टर्मिनल पर भी पॉजिटिव और नेगेटिव सोर्स लगा के हम चार कोऑर्डिनेट बनाते हैं। तो इसी के साथ इसका 11th का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ट्रायक डिवाइस ऑपरेशन में मोर सेंसिटिव होता है। यदि ट्रायक डिवाइस को फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑपरेट कराया जाता है तो वो मोर सेंसिटिव होता है। और ट्रायक थर्ड, तो इसका 12th का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। 13th क्वेश्चन है, ट्रायक डिवाइस ऑपरेशन में लेस सेंसिटिव होता है। देखिए, ट्रायक डिवाइस को अगर सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में ऑपरेट करवाया जाता है तो वो लेस सेंसिटिव होता है तथा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी।
ट्रायक डिवाइस ऑपरेशन में कंडक्टन पास पाथ होते हैं। यदि हम ट्रायक डिवाइस को ऑपरेट करते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि दो कंडक्शन पाथ होते हैं, MT1 और MT2, मतलब MT1 से MT2 और MT2 से MT1। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। 15th क्वेश्चन है, ट्रायक डिवाइस के इक्विवेलेंट थायरिस्टर की तुलना में रेटिंग लोअर होती है। यदि हम ट्रायक डिवाइस को अगर हम कन्वेंशनली थायरिस्टर की तुलना में अगर कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि ट्रायक डिवाइस में दो कंडक्शन पाथ होते हैं, MT2 और MT1, MT1 से MT2। इस दो कंडक्शन पाथ को पाथ में कंडक्टिविटी होती है, उसके साथ ही वो टायर की अदर जो सर्किटरी उसके साथ भी कॉम्बिनेशन होता है। तो जो उसके कन्वेंशनली थायरिस्टर है अगर उसके कंपेयर में करें तो ट्रैक में दो कंडक्शन पाथ होने की वजह से उसकी वोल्टेज, फ्रिक्वेंसी और करंट तीनों की रेटिंग लोअर होती है। तो 15 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। 16 क्वेश्चन, ट्रायक डिवाइस का उपयोग किया जाता है लैंप डिमर एप्लीकेशन में, हीट कंट्रोल में और रेक्टिफायर एप्लीकेशन में। तो 16 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। 17th क्वेश्चन, ट्रायक डिवाइस की अवेलेबल वोल्टेज करंट रेटिंग है। अगर हम ट्रायक डिवाइस के मार्केट में वोल्टेज अवेलेबल चेक करें तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, 1200 वोल्ट और 300 एम्पीयर तक हमें ट्रायक की अवेलेबिलिटी मिलती है। 18th क्वेश्चन है, ट्रायक डिवाइस में कितने टर्मिनल होते हैं। ट्रायक डिवाइस में तीन टर्मिनल होते हैं जिसे नॉमिनेट किया जाता है, MT2, MT1 और गेट। 19th क्वेश्चन है, डायक का पूरा नाम क्या है। अगर हम डायक का पूरा नाम देखें डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 19th का ऑप्शन ए। 20th क्वेश्चन होगा, डायक में कितने टर्मिनल होते हैं। तो डायक में दो टर्मिनल होते हैं जिसे डिफाइन किया जाता है, MT2 और MT1। तो 20th का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। 21 क्वेश्चन है, डायक को ऑन स्टेट में लाने के लिए कौन सी कंडीशन होती है। यदि हम डायक की ऑपरेशन को देखें तो डायक में किसी तरह गेट टर्मिनल नहीं होता, दो टर्मिनल होते हैं। जब उसके अक्रॉस में वोल्टेज सोर्स लगाया जाता है MP2 और MT1 के रेस्पेक्ट में, तो वोल्टेज सोर्स अगर पॉजिटिव होता है तो यदि वोल्टेज VBO अगर उस MT1 और MT2 के इसमें पॉजिटिव वोल्टेज लगा MT1 पे, तो अगर VBO1 से ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई हो रहा है तो वो डायक ऑपरेशन में होगा। और उसी प्रकार अगर MT1 पे नेगेटिव लग रहा है, MT2 पे पॉजिटिव लग रहा है, तो यदि वोल्टेज बिटवीन MT1 और MT2 अगर जो VBO2 से मैक्सिमम होगा तो डायक ऑन स्टेट में होगा। तो हम बोल सकते हैं कि जब भी डायक को ऑपरेट किया जाता है तो VBO1 और VBO2 से मैक्सिमम वोल्टेज अप्लाई करने पे ही डायक ऑपरेशन और कंडक्शन मोड में आता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। 22 क्वेश्चन है, डायक के कंडक्शन समय में कितने कंडक्शन पाथ होते हैं। तो हम देखते हैं डायक को जब ऑपरेशन में लेते हैं तो हम देखते हैं कि डायक में दो कंडक्शन पाथ होते हैं, जो VBO1 और VBO2 से अधिक वोल्टेज अप्लाई होता है तभी डायक ऑपरेशन मोड में आता है। तो डायक में दो कंडक्शन पाथ होते हैं, फर्स्ट एक तो होता है P1, N1, P2 और N#, दूसरा होता है N-P1, N1 और P2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 22 का ऑप्शन सी। 23, डायक के ऑन स्टेट में होने पर उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता है। जब डायक ऑपरेशन कंडीशन में आ जाता है, MT2 से MT1 के रेस्पेक्ट में करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है, तो डायक के रेस्पेक्ट में 0 से 3 वोल्टेज के बीच में मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो इसका करंट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। 24th क्वेश्चन है, गेट लेस ट्रायक किसे कहते हैं। डायक बाई डायरेक्शनल डिवाइस है लेकिन इसके VBO को चेंज नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें गेट टर्मिनल नहीं होता है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि डायक एक गेट टर्मिनल डिवाइस है, गेटलेस डिवाइस है जिस पे फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस दोनों में काम करवा सकते हैं, और दोनों की VBO उसके कंस्ट्रक्शन के समय ही फिक्स को दोनों ही VBO उसके कंस्ट्रक्शन के समय ही फिक्स होते हैं, तथा इसके अक्रॉस वोल्टेज जब VBO से ज़्यादा होता है तभी डायक ऑपरेशन मोड में आता है। तो इस प्रकार 24th का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। डायक का महत्वपूर्ण बिंदु है, डायक एक बाई डायरेक्शनल डिवाइस है जो कि फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस दोनों में काम करती है, ये करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। ऑप्शन बी, डायक का ब्रेक ओवर वोल्टेज चेंज नहीं किया जा सकता, बिल्कुल ये भी डायक का ब्रेक ओवर वोल्टेज को परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ऑप्शन सी, डायक के ऑपरेशन में ऑन स्टेट हेतु दो कंडीशन पाथ होती है। हाँ, जब डायक को ऑपरेट किया जाता है उसमें दो कंडीशन पाथ होती है, जो हमने देखा था अभी P1 N1 P2 और N#, उसी तरह दूसरा पाथ होता है N1 और P2 N-P1, N-1 और P2। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ये महत्वपूर्ण बिंदु है, ऑल ऑफ इसका 25th का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, क्योंकि डायक बायडायरेक्शनल डिवाइस है, ये ब्रेक ओवर वोल्टेज अधिक वोल्टेज अप्लाई करने पे काम में आता है, तथा डायक में भी दो कंडक्शन पाथ होते हैं जो कि हमने देखे हैं। इस प्रकार हम SCR के सीरीज पैरेलल कनेक्शन, ट्रायक और डायक से कुछ महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। इसका आंसर आपको दिख रहे हैं, भी आपका कंप्लीट कंसोलिडेटेड आंसर शीट आपको दी गई है, आप उसे देखिए। थैंक यू सो मच।